नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, पी एन अवर्सी हाई स्कूल में ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। व्याकरण विभाग को आगे बढ़ाते हुए विचार विस्तार मैं आपको समझाने जा रही हूँ। विचार विस्तार किस तरह से आपको लिखना है, हिंदी के प्रश्न पत्र में या अपठित यानी जो पढ़ाया नहीं गया, ऐसी पंक्तियाँ आपको पदांश का भावार्थ स्पष्ट करने के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। इसमें यह पंक्तियाँ दोहे की हो सकती हैं, काव्य की हो सकती हैं या मुक्तक की हो सकती हैं, तो उनका आपको भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। अब पदांश का भावार्थ स्पष्ट करते समय ध्यान में रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। दिए हुए पदांश का दोहा या मुक्तक को भली भांति समझ लीजिए। दिए हुए पदांश का सरल शब्दों में स्पष्टीकरण कीजिए। केवल अनिवार्य अर्थ न करके पदांश के एक एक अंश को खुलकर समझाइए। पदांश का लक्षार्थ भी स्पष्ट कीजिए। जहां आवश्यक हो विषय से संबंधित दृष्टांत देकर स्पष्ट कीजिए। अंत में एक दो वाक्य में सीख का उल्लेख कीजिए। पदांश के भावार्थ की भाषा सरल एवं शुद्ध तथा शब्दों की वर्तनी सही होनी चाहिए। लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर कोई सुक्ति हमें लगती है तो वह भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पदांश का भावार्थ स्पष्ट करती हूँ जो आपको समझना है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए दार, जहाँ काम आवे सुई कह करे तरवार। यहाँ पर रहीम जी इस पंक्ति को समझाना चाहते हैं और वे इस पंक्ति में कहते हैं कि कुछ लोग वस्तु के आकार प्रकार को देखकर उसकी कीमत को आंकते हैं। वास्तव में वस्तु का महत्व उसके कद पर निर्भर नहीं होता। रहीम जी यही हमें समझाना चाहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तलवार का आकार बड़ा होता है, वह युद्ध में बहुत उपयोगी है। उसके तुलना में सुई बहुत छोटी होती है, फिर भी सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। इसीलिए हमें छोटों को भी बड़ों के समान ही महत्व देना चाहिए। तो ये इस पंक्ति का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब आपको आपके गृह कार्य में जो पंक्ति दी गई है उसका विचार विस्तार आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।